खांसी, बलगम और सांस फूलना, ये तो आमतौर पर फैला हुआ इन दिनों में, तो क्या सबको कोरोना है? नहीं, कतई नहीं, ये हर किसी को कोरोना नहीं होता। तो ये साथ में होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री होनी चाहिए। छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे नुस्खे मैडम ने बताए, सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका जो यहाँ भी मौजूद है, अपने हलक को तर रखो। मैं जनरल वायरस की बात कर रहा हूँ, हलक को तर रखो। तर रखने के लिए बहुत सारे नुस्खे मैडम ने बताए, सबसे आसान सबसे सस्ता पानी। बहुत सारे लोग जो है आइसोलेशन सेंटर्स में डाले जा रहे हैं, लेकिन हर किसी को कोरोना नहीं हो रहा, तो उनके ब्लड सैंपल्स देकर के भेजे जाते हैं, खून के बलगम के सैंपल्स लेके भेजे जाते हैं, उससे टेस्ट करके फिर वो कन्फर्म करा जाता है, जिसको RT-PCR कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोरोना। तो ये मास्क का जहाँ तक कंसेप्ट है, अगर लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का मतलब ये नहीं कि फिर आप उसे बार बार एडजस्ट करते रहें। एडजस्ट करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ते हैं कि फिर नाक पे, आँख में, कान पे, सब इस तरह से एडजस्ट करना है। अगर हम ऐसे लगाते हैं, मैं खुद इसको लगा पाना मुश्किल होता है हॉस्पिटल के अंदर, हम बहुत देर तक नहीं लगा पाते क्योंकि नाक कब तक ऐसे रहेगी, मुश्किल हो जाता है। इट इज लिटिल कंबर्सम, डिफिकल्ट टू वेयर इट, स्पोर्ट इट थ्रू आउट द डे, तो लोग ऐसे कर लेते हैं, तो पर्पज सॉल्व इसका नहीं हो रहा है। हमें बेसिकली ये करना है कि जो इन्फेक्टेड चीज़ है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं, वो हमारे अंदर ना जाएं, और अगर हमें अंदर हैं तो हमारे अंदर बाहर ना जाए इन्फेक्शन, ये दूसरे को ना फैले, इसको यहीं कर्व कर ले, इन्फेक्शन को यहीं, ड्रॉपलेट्स को यहीं कर्व करके रखें, तो वो पर्पज सॉल्व नहीं होता है। लगाएं बेहतर है, लेकिन जैसे ब्लू मास्क लगा रखा है भाई सब, या ग्रीन मास्क लगा रखा है, ये यू डिस्पोजेबल्स होते हैं, इसको लगा करके अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो विदिन 2 मिनट्स वी रिमूव इट, काम करा, लगाया और निकाल के फेंक दिया, फिर से रखना नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं क्लिनिक्स में देख रहे हैं, वो गंदा सा मास्क जिसके अंदर बदबू आ रही होती है, वही डेली चल रहा है, वो एक और सबब है इन्फेक्शन का, किसी और को नहीं, खुद को। कोरोना से डरो ना, तो एक अवेयरनेस आ सके ताकि हम लोग इससे डरे नहीं। तो ये हमारे कंटेंट्स लेंगे, मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि ड्राई सा टॉपिक है, पढ़ने समझने को भी मैम समझती हैं, डॉक्टर साहब समझते हैं कि समझना भी मुश्किल पड़ता है इसको, क्योंकि देखा नहीं किसी ने, सिर्फ पढ़ा है, ड्राई सा टॉपिक है, डर भी लगता है। कोरोना पहले नई बीमारी है, कोरोना नई बीमारी नहीं है, कोरोना पुरानी सी बीमारी है, वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जो पहले भी हो चुका है, 2002 में भी आया था, 2012 में भी आया था, 2019 में नोवल नई सी चीज़ आई है ये कोरोना। इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ, अक्सर हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई वायरल बुखार है, वायरल बुखार है, वायरल बुखार है, बैक्टीरिया का भी बुखार होता है, वायरस का भी बुखार होता है, पैरासाइट्स का भी बुखार होता है, स्पायरोकीट्स का भी बुखार, हर एक अलग अलग मुख्तलिफ माइक्रोब्स है, जैसे मैडम ने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जो आंखों से हमको, नंगी आंखों से हमको दिखते नहीं है, इसके लिए हमें आलात की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। तो ये एक वायरल बुखार है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में मैं थोड़ा सा इतना बता दूं ताकि आइंदा हम लोग डरे ना। वायरस होता क्या है? वायरस एक बहुत छोटी सी शय होती है, बैक्टीरिया ज़रा उससे बड़ी सी शय होती है। बैक्टीरिया वायरस दोनों ही माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोप से दिखता है, लेकिन वायरस बैक्टीरिया से और ज़्यादा छोटा होता है, जिसके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, वह आमतौर पर लैब्स में नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बहुत महंगे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और ये आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते। इसलिए आप देखिए कि वायरस, कोरोना वायरस की जाँच हर लैब में नहीं हो रही है, लाल पैथ लैब में नहीं होती है, होली फैमिली, एस्कॉट्स, अल्शिफा में नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। वायरसेस जो होते हैं बहुत छोटी सी शय होती है, देखिए मैंने लिखने की कोशिश करी है, वायरसेस बहुत छोटी सी शय होती है, बैक्टीरिया से कम होता है ये छोटा साइज में। वायरसेस हमेशा हमारे दुश्मन रहे हैं, वायरसेस हमेशा हमारे दुश्मन रहे हैं, ये आते हैं और बीमारी करके जाते हैं। बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा दुश्मन हो, जैसे मैडम ने एक वर्ड यूज़ करा था, कमेंसल्स, कमेंसल्स मतलब हमारी आंतों में अमूमन तौर पर बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे लंग्स में भी, हमारे मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे दोस्त होते हैं, तो दे आर फ्रेंडली माइक्रोब्स। बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। अगर पेट में हमारे, जैसे लैक्टोबैसिलस एक जरासिम का नाम है, एक माइक्रोस्कोप माइक्रोब का नाम है, जो हमारे पेट में अक्सर तौर पर मिलता है, मुंह के अंदर भी हमारे बैक्टीरिया बहुत मुख्तलिफ किस्म के रहते हैं, तो ये हमें हमेशा बीमारी नहीं करते, बैक्टीरिया हमेशा बीमारी नहीं करता, बैक्टीरिया कभी बीमारी करने वाले भी होते हैं, बीमारी और हमारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन वायरस अमूमन तौर पे हमको बीमार करके ही जाता है। कोरोना को कोरोना कहते क्यों हैं? कहीं से कोई जुमला निकलता, कोई वर्ड निकलता है, अलहिकमा का मतलब क्या हुआ? हिकमा का मतलब विजडम, कोरोना का, शिफा का मतलब सेहत देने वाला, शिफा क्योर। ऐसे कोरोना कोई वायरस का नाम नहीं था, कोरोना कहते हैं सूरज के चारों तरफ, इसमें दिखाने की मैंने कोशिश करी है, सूरज के चारों तरफ एक शुआओं का घेरा होता है, उसको कहते हैं कोरोना, दिखता नहीं है नंगी आंखों से, कोरोनास्कोप होता है जब दिखता है उसके जरिए देख सकते हैं, या जब सूरज ग्रहण होता है तो इस तरह का दिखता है, देखिए सूरज ढक गया और सूरज के चारों तरफ अभी
जैसे बता रहे हैं आला कहते हैं आपको ये घेरा 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 सा दिख रहा है, तो ये इस तरह का दिखता है। यही शक्ल है कोरोना की भी, इसी शक्ल से दिखता है ये कोरोना, नोवल कोरोना वायरस यही शक्ल का होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये देखिए मिल रहा है। वायरसेस से हमको कोई खास फायदा होता नहीं है, बैक्टीरिया के लिए हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे दही फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं, ब्रेड बनता है, इसके अंदर भी माइक्रोस्कोप्स में माइक्रोब्स जो होते हैं बैक्टीरिया हमारे हेल्पफुल होता है, लेकिन वायरस में हम किसी चीज़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। बैक्टीरिया के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक्स होती हैं, वायरस के लिए एंटीवायरल्स होते हैं, बट हर जगह एंटीवायरल यूज़ नहीं करा जाता। बैक्टीरिया जब भी देखा है कि कोई इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो उसी पर्टिकुलर जगह का करता है, अगर वो फैले नहीं। मतलब निमोनिया हो गया, एक बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, तो वो लंग्स को यह मुतासर करता है, पूरे जिस्म में नहीं फैलता। हालत बिगड़ गई जाहिर सी बात है पूरे जिस्म में फैलेगा, लेकिन वायरस जब भी होगा तो सर से लेकर पाँव तक इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है बॉडी को। मिसाल के तौर पर एड्स एक वायरस है, HIV वो सर से लेकर पाँव तक सारे अज़ाओं को नुकसान पहुँचाता है। इन्फ्लुएंजा जैसे आजकल कोरोना सिर्फ शुरुआत होगी नाक से, कान से, मुंह से, गले से, लेकिन सारी जगहों को इन्वॉल्व कर लेगा इसका हिस्सा। तो एक छोटा सा मैंने बताने की कोशिश करी है, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 5.5 साल चाहिए, समझने के लिए चाहिए, आज भी समझ